यह लड़की रिक्शा से जा रही थी तभी रिक्शा से एक बच्चा निकाल कर लड़की का पायल काट लेता है रिक्शा वाले लड़की को कहता है यह लीजिए मैडम आपका एड्रेस आ गया आप उतरो लड़की रिक्शा वाले को पैसे देती है और कहती है भाई साहब मैं पहली बार आई हूँ एड्रेस सही है ना रिक्शा वाले कहता है हाँ मैम साहब सही है फिर लड़की अपने पैर देख कर चौक जाती है और कहती है अरे भैया मेरी पायल कहाँ गयी चांदी की पायल थी मैं जब रिक्शा में बैठी थी तब तो पैर में पायल थी अभी नहीं है रिक्शा वाले कहता है अरे मैम साहब ये क्या कह रही हो ऐसा कैसे हो सकता है रिक्शा ने ले ली क्या आप शायद पहन के नहीं आए थे आपको याद नहीं है लड़की कहती है रिक्शा ने नहीं रिक्शा वाले ने ले ली है तुम्हारे रिक्शा में गायब हुआ है तो उसके जिम्मेदार तुम ही होना तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और रिक्शा वाले को कहता है चुपचाप से मैडम की पायल दे दो हम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है हम पुलिस वाले हैं फिर रिक्शा वाले के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर लड़की कहती है एक तुम ही हो ये रोड पर चोरी कर रही हो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमने ऐसे प्लान बनाया था फिर रिक्शा वाले को जेल में लेकर जाता है